हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सही ढंग से पुशअप लगाने से होने वाले फायदों को एंजॉय करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको आर्मी ही ज्वाइन करना पड़े। तो एक बेसिक पुशअप चेस्ट और आर्म मसल को मजबूत देने का सबसे असरदार तरीका है। दोस्तों सिंपल पुशअप के लिए अपने खुद के बॉडी वेट यानी शरीर के वजन और आर्म से आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में पुशअप के ऊपर पूरी डिस्कस करेंगे, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जमीन पर चेहरे को नीचे किए हुए लेटने की पोजीशन में आए। दोस्तों अपने पैरों को एक साथ रखें, आपका वजन आपकी चेस्ट पर होना चाहिए। दोस्तों अपने हाथों को जमीन पर करीब कंधे के बराबर दूरी पर हथेलियों के बल पर रखें। आपको कंधों के ठीक सामने कोहनी से आपके अंगूठों के पॉइंट करते हुए पोजीशन में होना चाहिए। अपने टोच यानी पैरों के अंगूठों को ऊपर की तरफ टर्न कर ले, अपने पैरों की बॉल को जमीन को छूना चाहिए। दोस्तों सेकेंड है अपने आर्म से यूज करते हुए खुद को ऊपर उठाए। दोस्तों इस पॉइंट पर आपके वजन को आपके हाथों और आपके पैरों की बॉल्स पर स्पोर्ट होना चाहिए। दोस्तों अपने सिर से लेकर अपनी हिप्स तक एक स्ट्रेट लाइन बना ले। दोस्तों अपनी हिप्स को हिलने से रोकने के लिए अपने पैर को टिका ले। दोस्तों इस पोजीशन को ब्लैंक कहते हैं, जिसे कई तरह की एक्सरसाइज के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों किसी भी एक पुशअप की शुरुआती और आखिरी पोजीशन होती है। दोस्तों ऐसे तो असल में तीन टाइप के बेसिक पुशअप होते हैं जो अलग अलग मसल्स को यूज किया करते हैं। दोस्तों फर्क सिर्फ पोजिशन में हाथों को कहाँ रखते का होता है। दोस्तों आपके हाथ जितने ज़्यादा करीब होंगे आपका ट्राइसेप उतने ही ज़्यादा शामिल होंगे। दोस्तों ये जितनी ज़्यादा दूरी पर होंगे आप उतनी ज़्यादा अपनी चेस्ट को एंगेज करेंगे। दोस्तों रेगुलर आपके हाथों को आपके कंधों से ज़रा दूरी पर होना चाहिए, ये आपके आर्म्स और चेस्ट दोनों पर ही काम करते हैं। दोस्तों सेकंड डायमंड। दोस्तों अपने हाथों को डायमंड शेप में एक दूसरे के करीब रखें, उन्हें सीधे अपनी चेस्ट के नीचे रखें, जिसमें आपकी आर्म्स एक स्टैंडर्ड पुशअप से कहीं ज़्यादा इंगेज होगी। दोस्तों वाइड आर्म। दोस्तों अपने हाथों को अपने कंधों से काफ़ी दूर पर रखें, इस वर्जन से ज़्यादा चेस्ट पर ही काम होगा। दोस्तों और आर्म्स कम स्ट्रेच की ज़रूरत होगी। दोस्तों अपने शरीर को स्ट्रेट बनाए रखने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अपने आप को नीचे लाते वक्त सांस लेना मत भूले। दोस्तों अपने शरीर को फ्लैट लेवल पर बनाए रखना मत भूले। दोस्तों ग्राउंड को अपने से दूर पुशअप करते हुए खुद को ऊपर उठाए। दोस्तों पुशअप करते वक्त सांस ले, आपको आपके कंधों और चेस्ट के एक साथ मिलकर काम करने से पुशअप के लिए पावर मिलेगी। ट्राइसेप्स आपके ऊपर आर्म के बैक साइड पर मौजूद मसल्स भी इसमें यूज होते हैं, लेकिन दोस्तों ये यूज होने वाले प्राइमरी मसल्स ग्रुप नहीं होते। दोस्तों अपने पिछले हिस्से या अपने पेट को यूज करने की कोशिश मत करें। आपकी आर्म्स फिर से करीब स्ट्रेट पोजीशन में नहीं आ जाती तब तक फोर्स लगाना जारी रखें। दोस्तों बस अपने आर्म्स के लॉक न होने की पुष्टि कर ले। दोस्तों एक समान गति से नीचे आना और ऊपर उठना जारी रखें। दोस्तों हर एक पैर एक सिंगल पुशअप की तरह काउंट होता है, इसे तब तक करते रहे जब तक कि आप अपनी लिमिट के हिसाब से मैक्सिमम सेट न पूरे कर ले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत